हेलो बच्चों, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, घबराइए मत। सबका सॉल्यूशन है डाउट नेट। बच्चों, आपका किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, उसको क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। चाहे वो क्वेश्चन आपके होमवर्क का हो, CBSE का हो, UP, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, MP या अन्य किसी बोर्ड का हो, चाहे IIT, JEE, नीट या क्लास 6 टू 12 का सवाल हो, इन सब का जवाब मिलेगा डाउट नट ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवाल के जवाब मिलेंगे डाउट नट पर। साथ ही अब डाउट नट पर पढ़िए कोटा की बेस्ट फैकल्टी जैसे GB सर, NJ सर, आकांक्षा मैम, प्रिंस सर जैसे टॉप टीचर्स के, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउट नेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे डाउट नेट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए डाउट नेट ऐप इंस्टॉल कीजिए। मैं इस वीडियो में आपको करवाऊंगा मॉडल पेपर का सॉल्यूशन। यहाँ पर दे रखा है 41 का, आपको वर्ग ज्ञात करना है। तो आप चाहो तो वर्ग करके दिखा भी सकते हो, नहीं तो एक टेबल बना सकते हो जिसमें आप उसके उत्तर लिख सकते हो। या तो इसे आप अलग से सॉल्व कर लो, या फिर आप ऐसे टेबल बना सकते हो। इस टेबल में आप इसका आंसर लिख सकते हो। जैसे यहाँ पर इसको सॉल्व करना है, रफली करो तो भी अच्छा है, और वहाँ पर करके दिखाओ तो भी बहुत अच्छा बात है। यहाँ पर हमें 41 का वर्ग ज्ञात करना है, तो आप चाहो तो सिंपली 41 को 41 से गुणा कर सकते हो। ये 41 हो जाएगा, इधर ये 4 एकम 4, 4 चौक 16, ये हो जाएंगे 1681। या फिर किसी मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हो, कि मेथड कोई भी सॉल्व करना है आपको, तो ये आप a² + यहाँ से लाइन लगाकर 2a × b + b का होल स्क्वायर, ये हो गया 1, ये हो गया 8, ये हो गया 16, ये हो गया 1681। कैसे भी मर्जी है वैसे आप कर सकते हो, निखिलम से कर सकते हो, अदर कोई मेथड आता है तो उससे भी आप कर सकते हो, या एक तरीका और भी है। तरीके बहुत सारे हैं, आप अगर वहाँ दिखाना चाहते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो, नंबर के साथ ये 1 ऐड भी करना है, ये 1 आपके लेस भी करना है, फिर +1 स्क्वायर कर लो। ये तो होता है आपके 42, ये होता है आपके 40 + 1, तो इनको दोनों को सॉल्व करते हैं तो ये आता है अभी 1680 +1 कर देंगे तो यही आएगा। कैसे कर लो आपके ये आंसर आने वाला है, जो आंसर है तो वहाँ पर आप लिख देंगे यहाँ पर सी। जिस तरीके से आप आता उस तरीके से आप स्क्वायर याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके दे रखा है, यदि बहुपद, ये बहुपद दे रखा है, इसका एक शून्यांक दे रखा, शून्यांक कहते हैं जीरोस को, मतलब इसकी जगह एक्स जगह आप ए एक्स का मान है 3 आपके, तो बताओ के का मान क्या होगा। शून्य का मतलब होता है जब भी आपके लिखा हुआ शून्य, इसको कहते हैं जीरोस, इसका मतलब ये जो शून्य है ना, ये एक्स का मान है, एक्स का मान दे रखा आपके 3। हमारा क्वेश्चन है 2x² + x + k लिखा हुआ, अब जहाँ एक्स है वहाँ हमें 3 लिखना है, तो यहाँ पर भी मैंने लिख दिया 3, इधर लिखेंगे हम 3, इधर k का k। अब देखो ये शून्यक है, मतलब जैसे ही हमने एक्स जगह 3 रखा तो बाहर क्या आएगा आपके 0, जैसे ही आपने 3 रखा तो बाहर आ गया आपके 0, इसे कहते हैं शून्यक, मतलब ये ऐसा मान है जहाँ यहाँ पुट करने पर वैल्यू 0 आता है। तो बताओ k का मान क्या होगा, ये होता 3 3 9, 9 2 18 +3 + k = 0, ये हो गए भी आपके 18 और 3 21 + k = 0, उधर भेज दो तो k का मान आएगा आपके -21। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, आपको क्वेश्चन को इस तरीके से करने की भी ट्राई करनी है, क्योंकि टोटल 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। अब पता नहीं कौन से क्वेश्चन आपके ABCD में आने वाले हैं, कौन से बिना ABCD के आने वाले हैं, तो ट्राई करो हर क्वेश्चन को आप इस तरीके से सॉल्व करो, ताकि आप इसे किसी भी तरीके में, यहाँ पर इसमें दिखा हुआ उस तरीके से भी लिख सकते हो, अदर तरीके में से भी लिख सकते हो। यहाँ पर उत्तर आया है आपके ये वाला D आंसर आया है, तो हम यहाँ लिख देंगे
डी हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर थ्री आपके दे रखा है के किस मान के लिए कोई हल नहीं होगा। अब यहां पर तो कोई हल नहीं, इसका मतलब ये नहीं इसका उत्तर नहीं निकालना आपको। कोई हल नहीं का मतलब होता है आपके आगे वाले ए वन अपॉन ए टू इक्वल है आपके बी वन अपॉन बी टू बट नॉट इक्वल सी वन अपॉन सी टू। ए वन बटा ए टू बराबर है बी वन बटा बी टू बराबर नहीं है सी वन बटा सी टू, इसका मतलब होता है कोई हल नहीं ये वाला। अब हमें हमारे पास क्वेश्चन जो दे रखा है, क्वेश्चन हमारा ये है देखो जो आगे वाले एक्स के पास है ना, एक्स के पास वाले आपके ए वन ए टू है, तो ए वन आपका वन है और बी वन आपका टू है, ये एक्स के पास वाले वैल्यू फिर लिखेंगे हम बराबर। अब जो वाई वाले वैल्यू है ना वो बी वन बी टू के हैं, तो वाई वाले दोनों वैल्यू इधर आपके कुछ नहीं है तो वन इधर के, तो हम लिखेंगे वन बराबर के नॉट इक्वल बराबर नहीं है पीछे वाले दोनों ही माइनस चार माइनस तीन। अब आपकी इच्छा तो इन दोनों को लेकर भी सॉल्व करोगे तो यहाँ पर k का मान क्या नहीं होना चाहिए वो आएगा, और अगर आप इन दोनों को लेकर सॉल्व करोगे तो आपके k का मान फिक्स आ जाएगा। तो उसको सॉल्व करते हैं हम, तो वन बटा दो बराबर वन बटा के कर दो तिरछा गुणा, तो k का मान आएगा आपके दो, तो k का मान हमेशा कितना रहेगा दो रहेगा। इससे करते तो लिखा हुआ आता कि k का मान कभी भी ये नहीं हो सकता तीन बटा चार नहीं हो सकता, लेकिन क्योंकि k का मान तो एक्चुअल में क्या है आपके दो है, इधर से करोगे तो उत्तर फिक्स नहीं आएगा मतलब ये नहीं हो सकता आएगा, इधर से करोगे तो क्या हो सकता है वो आएगा। इसीलिए k का मान दो है तो दो आपका ये b उत्तर है, तो यहाँ आएगा आपके b ऐसे। फोर्थ आपके देर का है थीटा का मान 45 डिग्री है, जहाँ थीटा है वहाँ 45 लिखो, इसको हल करो उत्तर क्या आता है आपको बताना है। तो हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है वन माइनस कॉस और यहाँ पर दो लिखा हुआ है थीटा इनटू में है, तो ये हो जाएगा आपके 45 डिग्री। ऐसे नीचे भी ये सेम साइन दो इंटू 45 डिग्री, यहाँ पर भी तो वन का वन कॉस का कॉस, 45 का डबल होता है अभी आपके 90 डिग्री, इधर भी आता है आपके कॉस 90 डिग्री साइन 90 डिग्री, ये साइन आएगा 45 का डबल होता है आपके 90 डिग्री। अब हमें मान आना चाहिए, टेबल आपको अच्छे से याद होनी चाहिए कि 1 का 1 कॉस 90 का मान कितना होता है 0 होता है, और कॉस 90 का मान होता है आपके 1। आप टेबल चेक कर लेना कि साइन 90 का वैल्यू 1 होता है कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है, टेबल आपको याद होनी चाहिए उसके हिसाब से आपको वैल्यू रखना है। तो एक में से एक या एक इधर भी एक काट दो तो उत्तर क्या आएगा भी आपके एक आएगा, एक कहाँ पर है ये रहा, तो आपका बी हो जाएगा इस फोर्थ का आंसर। क्वेश्चन नंबर पाँच आपके देर का है एक मीनार, तो मीनार जैसे ही बोले ना तो आपको क्या करना है सीधी लाइन खींच देना है, मीनार होती है बिल्कुल सीधी। अब क्या है भाई आपके मीनार के पाद से, पाद बोलते हैं यहाँ पर ये नीचे वाला बिंदु, पाद कह दो आधार कह दो एक ही बात है, पाद से 100 मीटर दूर, तो आधार से 100 मीटर दूर, तो 100 मीटर दूर आपके यहाँ पर एक सूर्य शिखर का उन्यन कोण 60 डिग्री है, तो शिखर से यहाँ पर एक कोण बन रहा है अभी आपका उन्यन कोण बन रहा है जो कि दे रखा है अभी आपके 60 डिग्री दे रखा है, तो बताओ कि मीनार की ऊंचाई क्या होगी। तो ये है आपका मान लो ए है ये बी है और ये सी है, तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ त्रिभुज ए बी सी से, आपको मालूम होना चाहिए लाल बट्टा कक्का वाला नियम। अब कक्का मतलब क मतलब हो गया कर्ण, कर्ण मतलब हो गया ये लाइन, इसके बारे में कुछ पूछे ना तो आएगा साइन या फिर कॉस, ये साइन के लिए ये कॉस के लिए ये साइन के लिए ये कॉस के लिए, और जब लंब आधार में से कोई एक दे रखा है एक ज्ञात करना है तो क्या आता है टेन आता है, और हमारे पास देखो थीटा के सामने होता है लंब
और थीटा के पास में होता है आपके आधार, तो लंब आधार ज्ञात करना, इसलिए टेन आएगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टेन थीटा। टेन थीटा कब आता है? जब होता है लंब बटा आधार। अब टेन का टेन, थीटा जो है वो दे रखा है आपके 60 डिग्री। लंब होता है एंगल के सामने वाला ए बी, और ये होता है अभी आपके बी सी। वैसे ये इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें आप शॉर्ट भी कर सकते हो, लेकिन यही क्वेश्चन अगर एक नंबर का आ जाता है जिसमें आपके ए बी सी डी नहीं पूछते, तो वहां पर तो पूरा ऐसा ही करना पड़ता आपके। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, सिंपल है। 10 60 का मान होता है आपके अंडर रूट का 3। ए बी आपके दे रखा है एच, और बी सी दे रखा है आपके 100। हम कर देंगे यहाँ पर क्रॉस गुणा कर देंगे, क्रॉस गुणा कर देंगे, तो एच का मान क्या आएगा भाई आपके 100 अंडर रूट 3। क्या आएगा भाई? 100 अंडर रूट 3। ये कहाँ पर आ रहा है? ये ए आपका आंसर है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए होगा इसका आंसर। 6th आपके दे रखा है, एक बिंदु दे रखा है 3 4, इसका वाई अक्ष से दूरी बतानी। तो देखो सिंपल है बिल्कुल, दूरी जब भी बताते हैं तो वाई का पूछे तो आपको एक्स का मान लिखना होता है, फिर भी आपको देखो सही तरीके से बताते हैं हम। तो मैं यहां पर लेता हूं, पहले अक्ष लेता हूं 2, ये हो गया अभी आपके एक्स अक्ष कहते हैं इसको आप, या एक्स एक्सेस कह दो, और ये लाइन कहलाती है अभी आपके वाई अक्ष कहलाती है। ये लाइन वाई अक्ष है, ये लाइन आपके एक्स अक्ष है, और यहां पर होता है 0, इधर होता है 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब हमें डायग्राम लेना है, बिल्कुल सिंपल है। इसमें देखो लिखा हुआ है 3 4, तो ये रहा आपका 3 और ये रहा आपका 4, ये रहा भाई। इस पॉइंट का नाम होगा 3 4, मतलब इधर से हमने ली है 3 लाइनें, 1 2 और 3, इधर से ली है हमने 1 2 3 4। अब ये पूछ रहा है देखो, ये ग्राफ के हिसाब से ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ में आप इसे चेक कर सकते हो। तो वाई अक्ष से दूरी बतानी, ये रहा अभी हमारा वाई अक्ष। अब वाई अक्ष ये है, ये लाइन, इस लाइन कितना दूर है? 1 2 3, मतलब 3 कॉलम दूर है, पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम, 3 कॉलम दूर है। तो हमारा उत्तर क्या आएगा भाई आपके? 3 आएगा। और ये ध्यान रखना, अगर यहाँ पर माइनस भी होता तो भी हमें उत्तर जो है ना प्लस में ही लिखना है। दूरी कभी भी माइनस में नहीं होती है, दूरी कभी भी माइनस में नहीं होती है। अगर माइनस में लिखा हुआ हो जाए यहाँ पर कहीं पर, तो भी आपको प्लस में ही लिखना है। तो वाई अक्ष से दूरी पूछिए कितना आएगा? 3 आएगा। तो हम यहाँ लिखते हैं 3 कहाँ पर आया हुआ है? ये रहा भाई डी उत्तर होगा। तो हमारा उत्तर हो जाएगा डी होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन आपके दे रखा है 7th। फाइंड देखो क्या लिखा, घड़ी के पेंडुलम के सिरे का बिंदुपत। बिंदुपत क्या होता है? जिसके बारे में पूछा गया है वो कितना वर्क करता है, कितना काम करता है। जैसे आपके ये घड़ी है, ये है आपके घड़ी का पेंडुलम, इसका काम क्या होता है? इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, बस यहां तक जाना है इसका काम। जिसके बारे में पूछा गया है उसका काम क्या है? तो उसका काम है कि पेंडुलम यहाँ से यहाँ तक घूमता है। अगर ये पूरा चारों ओर घूमता, चारों ओर कौन घूमती है? घड़ी के मिनट की सुई, सेकंड की सुई, कोई कांटा। अगर घड़ी के कांटे के बारे में पूछे तो आपको लिखना होता है वृत्त लिखना होता है। अगर घड़ी के कांटे के बारे में पूछते हैं कि सेकंड का कांटा, मिनट का कांटा, घंटे का कांटा, कोई भी कांटे के बारे में पूछे या मिनट के बारे में पूछे, तो इसमें आप लिखते वृत्त। लेकिन ये वर्त इतना सा ही काम कर रहा है, यहाँ से लगाकर यहाँ तक, मतलब यही घूम रहा है। पेंडुलम जो है ना वो इतना सा ही घूमता है, और इसे कहते हैं वर्त का चाप कहते हैं। तो उत्तर आएगा आपके वर्त का चाप, ए उत्तर आएगा इसका, तो ए हो जाएगा इसका आंसर। अगला देखो आपके, अगला 8th आपके देर का है। एडी कोण ए का संधिभाजक है। एडी क्या कर रहा है? ये जो लाइन है ना, इस कोण को 2 भागों में बांट रहा है, मतलब ये कोण और ये कोण आपके बराबर है। जब भी क्वेश्चन में ऐसा आ जाए कि ये कोण 2 भागों में बांट रहा है, और यहाँ पर साइड दे रखी है, ए बी आपके दे रखी है 6, बी डी आपके दे रखी है 8,
डीसी आपके दे रखी है 6, तो बताना है कि यहाँ पर एसी का मान क्या आएगा। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी इस कोण का आधा होता है तो एक नियम काम करता है, वो है कि जो अनुपात आपके इन दोनों में है वही अनुपात आपके इन दोनों में रहेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे जो अनुपात ए बी बटा ए सी में है वही अनुपात आपके बी डी बटा सी डी में होता है। ये तभी होता है जब इस कोण का समद्विभाजन होता है, इस चीज़ का ध्यान रखना भाई। तो ए बी आपके दे रखी है 6, ए सी आपको ज्ञात करनी है, और बी डी आपके दे रखी है 8 और सी डी दे रखी है आपके 6। यहाँ पर करेंगे तिरछा गुणा तो ये आएगा भाई आपके 8x = 36, गुणा है तो भाग में, x का मान आएगा 36/8, भाग दे देना उत्तर जाएगा 4.5 सेंटीमीटर, ये बी आएगा इसका आंसर। तो यहाँ लिखेंगे हम बी होगा इस 8th का आंसर। अब ले रहे हम यहाँ पर 9th, 9th क्वेश्चन लिखा हुआ है एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास दे रखा है 486, तो बताओ उसकी भुजा क्या होगी। तो हमारे पास दे रखा है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास दिया हुआ है, वो दे रखा है अभी आपके 486। सूत्र क्या है ज्ञात करने का, 6 × भुजा² ये दे रखा है आपके 486। इसे 6 भुजा² लिखो या 6a² लिखो एक ही बात है, ये TSA of cube है भाई। अब गुणा है तो भाग में, तो भुजा स्क्वायर बराबर आएगा 486/6, तो इसमें हम 6 का भाग देंगे तो भाग दे दो, तो भुजा स्क्वायर बराबर आता है भाग देने पर 81 आता है, स्क्वायर हट गया, इधर लग गया आपके वर्गमूल, और ये आएगा भी आपके 9, तो भुजा आ गई है भी आपके 9 सेंटीमीटर, 9 आपके ये रहा आपके सी आ जाएगा इस 9th क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 10th आपके दे रखा है 5, 7, 9 और x का समांतर माध्य 9 है, तो बताओ x का मान क्या है, मतलब इन चारों का समांतर माध्य 9 दे रखा है आपके। तो जब भी आपको समांतर माध्य ज्ञात करना है, समांतर माध्य को कहते हैं हम ऐसे x, ऐसे बाहर कहते हैं, जब भी आपको ज्ञात करना हो तो सूत्र आपको लगाना है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, ये आएगा राशियों का योग बटा राशियों की संख्या आएगी। अब समांतर माध्य आपके दे रखा है 9, राशियों का योग मतलब आपको जोड़ना है सभी को, तो 5 को जोड़ेंगे 7 के साथ, फिर 9 जोड़ेंगे, फिर x जोड़ेंगे। अब चारों को जोड़ा तो आपको भाग लगाना है राशियों की संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4, चारों को जोड़ भी दिया और चारों का नंबर भी हमने यहाँ पर नीचे लिख दिया। अब यहाँ पर होगा आपके 9 का 9, जोड़ लो 5, 7, 12, 12 और 9 होते हैं 21 + x बराबर होता है आपके 4। अब यहाँ करेंगे हम तिरछा गुणा करेंगे हम, तो कर दो तिरछा गुणा, ये आएगा 21 + x = 9 × 36, ये प्लस का 21 है इधर भेज दो माइनस हो जाएगा, तो x का मान आएगा आपके 36 - 21 बराबर होता है आपके 15, 15 क्या आया भाई आपके x का मान आ गया, मतलब ये b उत्तर आपका राइट है, हम यहाँ लिखेंगे b। इस प्रकार से आपको करना है, आपको ये वाला मेथड भी अपनाना है क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना आपके इसमें भी आ सकता है और आपके एक नंबर का भी अलग से पूछ सकते हैं क्योंकि एक नंबर के क्वेश्चन 20 है टोटल, तो आपके ये क्वेश्चन अब यहाँ आएगा या फिर उसमें बिना अवसर में आएगा, तो आपको तैयारी इस प्रकार से ही करनी है, एग्जाम में आपको इस तरीके से ही लिखने की कोशिश करनी है।